नमस्ते बच्चों, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 सर्वनाम। ठीक है, लेसन अपन पढ़ चुके हैं, आज अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, तो क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को एट द क्लास को क्या है, इजीली आपके आंसर सारे एनसी शीट में दे रखे हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ते हो तो आपकी क्या है, आंसर शीट साथ में अवेलेबल है, तो आपको क्या कर उसमें से इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, सारे आंसर क्या है आपके, टिक कर रखे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो बहुवाद ऑप्शन राइट है, सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में शामिल है मैं, हम, मेरे, ये सभी, तो क्या है आपका उत्तम पुरुषवाचक के अंदर द, ये सभी शामिल है। ठीक है, उसके हाथ में कुछ है, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्यों, क्योंकि उसके हाथ में क्या है ये आपको पता नहीं है। ठीक है, फोर्थ है आपका मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो कौन सा है मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण, अ, तुम। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित रिक्त स्थानों का आपको फिल करना है, हरिओम ने पैसा लौटा दिया, तो किसका, उसका पैसा लौटा दिया, दीपक दीपावली पर अपने 7 बच्चों को भी लाएगा। ठीक है, मैं कल तक तुम्हें पुस्तक वापस लौटा दूंगा, मैंने वह पुस्तक उन्हें पढ़कर लौटा दी। ठीक है, आपको ब्लैंक में भरना है ये सारे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर, एट के लिए बच्चों के लिए तो इजी है, आपको नोटबुक में क्या करना है, सीधे सीधे आपको आंसर दे रखे, तो आपको आंसर शीट को उतारना है। ठीक है, आपको अलग से पीडीएफ भेजने की जरूरत नहीं है। सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उचित सर्वनाम लगाकर निम्नलिखित वाक्यों क्या क्या करना है, शुद्ध करना है, क्या करना है आपको, शुद्ध करना है। ठीक है, मुझको तुम्हें घर जाना है, मुझको तुम्हारे घर जाना है, क्या चेंज करना है आपको, तुम्हें की जगह क्या आना चाहिए, तुम्हारे घर जाना है। ठीक है, जो आदमी ने तुमको देखा था वह चला गया। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, जिस आदमी ने तुमको देखा था वह चला गया। ठीक है, थर्ड है आपका तुम्हारे को माताजी बुला रही है। ठीक है, तुम्हारे को तो नहीं होता, आप ऐसे थोड़े ना बोलते तुम्हारे को मम्मी बुला रही है, आप कैसे बोलते हो, तुमको माताजी बुला रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैंने आज खाना नहीं खाना है। ठीक है, मैंने आज खाना नहीं खाना है, क्या होगा इसका, मुझे आज खाना नहीं खाना है। ठीक है, जिन्होंने खाना खाया वही पैसा देगा। ठीक है, तो जिन्होंने खाना खाया वही पैसा देगा ये नहीं होता है, जिसने खाना खाया वही पैसा देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेरी बात का पता कोई को नहीं चले, मेरी बात का पता कोई को नहीं चले, तो बोलने में भी बड़ा अटपटा लग रहा है कि मेरी बात का पता कोई को नहीं चले, ये क्या वर्ड हुआ, मेरी बात का पता किसी को ना चले। ठीक है, तो बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरात्मक और निबंधात्मक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे, तो इस लेसन में बच्चों आपके इतने ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, एक बार फिर से अपन क्वेश्चन आंसर को रिपीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, जो शब्द किसके स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है, उसे बोलने वाला, सुनने वाला और जिसका संबंध कुछ कहा जा रहा है, वो तीनों के किसी एक स्त्री या पुरुष का बोध कराता है, तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके वापस तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारे आदि। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करे, उसे मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, जो न व्यक्ति बोल रहा है न सुन रहा है, वो वहां पे मौजूद ही नहीं है या फिर वहां से काफी दूर है, जैसे उसका नाम क्या है, ठीक है, वह कहां जा रहा है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में जब सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक होता है, ठीक है, आदर सूचक मतलब किसी और के लिए आता है, तो वो मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, जैसे आप कहां जा रहे हैं, आपने खाना खाया नहीं खाया, ठीक है, तो ये तो आपका आदर सूचक हुआ, लेकिन अपन स्वयं के लिए, मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं अपने आप अपने वस्त्र धो दूंगा या मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। वक्ता क्या कर रहा है? स्वयं काम कर रहा है। थर्ड है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु का बोध हो। निश्चित मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में कहने वाला क्या होता है? श्योर होता है, जैसे यह वह राम है, अरे वह मेरा घर है। ठीक है, संबंध बोधक सर्वनाम, जहां सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ जुड़ने वाले शब्दों से होता है, जैसे जैसा करोगे वैसा करोगे। ठीक है, कर भला तो हो भला। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जब आप किसी के साथ प्रश्न करते हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? प्रश्न का बोध हो रहा है, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम्हारे हाथ में क्या है, अरे दरवाजे पे कौन है, ठीक है, कुछ वस्तुएं दो। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ, कितना, ठीक है, ये सारे क्या है? जब सजीव वस्तु के लिए आता है तो कोई आता है, निर्जीव वस्तु के लिए कुछ आता है। ठीक है, जैसे कोई द्वार पर खड़ा है तो उसका हाथ में कुछ है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या है आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, सर्वनाम में लिंग कभी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सर्वनाम में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया से चलता है। ठीक है, जो आपका काम कर रहा है, कौन कर रहा है, उसका पता कैसे चलता है? राम जाता है, रमा जाती है, तो क्रिया से पता चला, जाता है, जाती है, इससे क्या पता चलता है? काम लड़का कर रहा है या लड़की कर रहा है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में शामिल है तो सभी, ठीक है, मैं, हम, मेरे, ये सभी। ठीक है, उत्तम पुरुष क्या होता है? जिसके अंदर वक्ता किसके बारे में बात करता है? स्वयं के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है? स्वयं के बारे में बात कर रहा है। उसके हाथ में कुछ है, तो कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि क्या है? उसको पता नहीं है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। मध्यम पुरुषवाचक जिसमें श्रोता जो है अपने बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वक्ता तो बात कर रहा है, श्रोता सुन रहा है। ठीक है, तुम, जैसे मैं तो अपने बारे में बात हो गई, हम अपने बारे में, हमारा अपने बारे में, तो ये सब क्या? वक्ता कर रहा है, तो प्रथम पुरुषवाचक है, तुम मध्यम पुरुषवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट है हरिओम, उसका ने उसका पैसा लौटा दिया। दीपक दीपावली पर अपने बच्चों के साथ
सात बच्चों को लेके आएगा। मैं कल तक तुम्हें पुस्तक वापस कर दूंगा, मैंने वह पुस्तक पढ़कर लौटा दी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्वनाम की परिभाषा दीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के निम्नलिखित छह भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उचित सर्वनाम लगाकर शब्दों को क्या करना है? शुद्ध करना है। मुझको तुम्हें घर जाना है, मुझको तुम्हारे घर जाना है। जो आदमी ने तुमको देखा वह कल चला गया, जिस आदमी ने तुमको देखा वह कल चला गया। मुझको तुम्हारे को माताजी बुला रही है, तुमको माताजी बुला रही है। मैंने आज खाना नहीं खाना, मुझे आज खाना नहीं खाना है। जिन्होंने खाना खाया वही पैसे देगा, जिसने खाना खाया वही पैसे देगा। मेरी बात का पता कोई ना चले, मेरी बात का पता किसी को ना चले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका। तो ये बच्चों आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर सिक्स चैप्टर आपका पढ़ेंगे, विशेषण। ठीक है, आपको होमवर्क बच्चों करना भी है और नोटबुक चेक भी करवानी। ठीक है, आपको आंसर शीट दे रखी है, इसका मतलब आपको ऐसा, बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं हम तो आंसर इसी में से याद करेंगे, क्यों कॉपी बनाए। तो बच्चों जब आप वर्क करते हो ना तो आपको अच्छे से याद होता है। ठीक है, आपकी हैंडराइटिंग भी सुधरती है और आपको याद भी होता है। ठीक है, तो आपको होमवर्क करके चेक भी करवाना। ठीक है, थैंक यू।